11,000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे। एनटीए बार बार कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है, जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है, और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी। तो बार बार अपनी बात से मतलब वो पलट रहे। इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3,000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14,000 है वो रैंक गई है। तो 11,000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14,000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार जो इनने किया है ग्रेस मार्क्स का जो ये कह रहे हैं, उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। तो 600 प्लस के बच्चे 5,000 होंगे, तो 5,000 रैंक कम, अब 14,000 जो रैंक है वो 13,950 हो जाएगी, उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना। उनकी 3,000 है, तो पेपर लीक क्या वो है मेन, इनने ग्रेस से पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। तो आपकी क्या मांग है? पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में FIR हुई है, गुजरात में भी FIR हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे OMR टीचर्स भर रहे थे। तब तक 6 जुलाई किन्ने शायद बोल देगी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आज शायद डिसीजन आया, तो 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर तो अब 8 जुलाई को हियरिंग है, तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है, और डेट पे डेट मिलेगी तब तक काउंसलिंग हो जाएगी। तो फिर तो या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए, तो फिर तो भी वो ठीक रहेगा। वो तो ठीक है कि 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में, मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3,000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 times इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पे हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो NTA ने किया है, अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? सुप्रीम कोर्ट से बस यही एक्सपेक्टेशन है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे हम सबको। हाँ, पेपर लीक ऑब्वियसली बात है हुआ था। पहली बात तो ये कि NTA ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी, तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी, और कहते हैं एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नेल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली कुछ तो हुआ है यहाँ पर। और NTA बार बार कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है, जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है, और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी। तो बार बार अपनी बात से मतलब वो पलट रहा है, तो इसमें शक पैदा होता है ना क्लियरली।